15 दिन पहले मंदिर से चोरी हुई अष्ट धातु की मूर्ति को लेकर जिले के पुलिस कप्तान ने स्वाग टीम सर्विलांस टीम के साथ दो थानों की पुलिस को इस काम में लगाया। साथ ही साथ इस इलाके में मुखबिर की टीम को भी सक्रिय किया गया। मुखबिर की सूचना पर डेबरुआ थाने के कलिन डिहवाहा बाग से पुलिस और इस स्वाग टीम को 4 लोगों को धर दबोचा। इनके पास से रुई में लिपटी अष्ट धातु की 2 मूर्तियां बरामद की, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह लोग इन मूर्तियों को मोटरसाइकिल के जरिए नेपाल ले जाने की फिराक में थे। मामला पकड़ा गया है, क्या करना है? 2 मूर्तियां बरामद हुई है। इसकी चोरी थाना त्रिलोकपुर के बुढ़ऊ गांव से 9 मई को हुई थी और ये चोरी पहले भी 2010 में चोरी हुई थी, जिसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। मूर्ति वही चोरी हुई पुनः, लेकिन अभियुक्त दूसरे हैं। ये मूर्तियों की बरामदगी में एडिशनल एसपी क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीमें क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर डेवरुआ और एसओ त्रिलोकपुर चौकी चार बढ़ने, इन लोगों के ज्वाइंट ऑपरेशन और प्रयास से दोनों मूर्तियां बरामद हुई। 5 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिसमें से 4 अभियुक्त आपके सामने हैं। 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। 4 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त नेपाल राष्ट्र के हैं और पहले भी ये चोरी में मूर्ति चोरी में ही जा चुके हैं इसी जनपद से। ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। इनका सौदा लगभग 2 करोड़ रुपए का हुआ था और मूर्ति सबसल बरामद है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके साथ जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी, 2 मोटरसाइकिल पल्सर और पैशन प्रो, वो भी पकड़ी जा चुकी है।